श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्दमारेश्वर तंत्र, इसमें अलग अलग यक्षिणियों की साधना हम प्राप्त करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। पिछले सप्ताह मैंने एक साधना बताई थी जिसे एक दाम्पत्य ही कर सकता है, और उसका एक अल्टरनेट विधान भी बताया था कि अगर आप शादीशुदा ना है तो आप तत्काल उसको कैसे कर सकते हैं। आज जिस यक्षिणी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसकी साधना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये वो करे जिनको यक्षिणी को पत्नी रूप में पाना है। ये यक्षिणी ना सिर्फ पत्नी रूप में आपके साथ रहेगी, बल्कि उसके बाद धन धान्य भोजन 12 लोगों के परिवार तक को ये संभाल सकती है, ठीक है। और जो टोटल 14 कलाएं होती हैं, उसमें 8 कलाओं से आपको ये विभूषित करती हैं। तो आप सिद्ध भी बनते हैं, आप धनाढ्य भी बनते हैं, और आप गृहस्थ भी बनते हैं। ये साधनाएं जो हैं, ये सब कलयुग के हिसाब से नहीं बनाई गई हैं। तो जितना इसमें समय कलयुग के लिए बताया जाता है, उससे ज्यादा समय आपको इनको सिद्ध करने में लगेगा। तो कनकावती यक्षिणी मतलब जो सोने की मालकिन हो, जिसके पास सोना हो, इस यक्षिणी का नाम है कनकावती। इनकी साधना के लिए सबसे पहले आपको एक वट वृक्ष खोजना होगा, ठीक है। ये वटवृक्ष जो है ये वीराने में हो, ताकि ये साधना करते समय आपको कोई ना देखे। दूसरा, ये साधना आप कर रहे हैं ये किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है, यक्षिणी साधना में जनरली ऐसे वटवृक्ष की पूजा होती है जिसके नीचे में शिवलिंग की स्थापना हो, लेकिन इस यक्षिणी की साधना में, इनकी साधना में आप बिल्कुल ऐसे वटवृक्ष पे जाएंगे जहाँ कोई शिवलिंग ना हो और वो निर्जन स्थान हो, ठीक है। आपको करना क्या है, जो पूर्व का विधान है उसके हिसाब से आपको 7 दिनों तक ये साधना करनी है। लेकिन क्योंकि कलयुग है तो आप इनकी साधना तब तक करेंगे जब तक आपको प्रत्यक्ष दर्शन ना होते हैं, ठीक है। तो वट वृक्ष के नीचे जो कृष्ण पक्ष है, उसके प्रथम दिन से 7th दिन तक ऐसा उसमें विधान है कि आप मांस और मदिरा इन यक्षिणी के नाम पर चढ़ाएंगे, समर्पित करेंगे कि हे कनकावती यक्षिणी, ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। धूप दीप नवेद, नवेद में मांस और मदिरा दोनों चढ़ेगा। वो चढ़ाने के बाद आपको उसी प्रसाद को पहले ग्रहण करना है और फिर 1000 बार इनके मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है वो मैं 3 बार आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ओम ह्रीम कनकावती मैथुन प्रिय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। फिर से मंत्र सुनिए, ओम ह्रीम कनकावती मैथुन प्रिय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। देखो इस मंत्र में जो बीजाक्षर है वो ह्रीम है, तो ह्रीम किसका बीजाक्षर होता है? जब आप कुंजिका स्त्रोत्र पढ़ेंगे तो उसमें आता है ह्रीमकारी प्रतिपालिके, मतलब ह्रीम बीजाक्षर वहां लगता है जहां कोई शक्ति आपका भरण पोषण करने वाली हो, ठीक है। तो इसमें लगा है ह्रीम कनकावती मैथुन प्रिय, मतलब जो पत्नी स्वरूप में आएगी, आगच्छा आगच्छा स्वाहा, ठीक है। इस साधना को पूर्ण करने के बाद ऐसा बताया गया है कि यक्षिणी का आगमन होता है अपने पूरे परिवार और अपनी सखियों के साथ, और उसके बाद जब आप निवेदन करते हैं तो वो आपकी भार्या बनने के लिए तैयार हो जाती है। भार्या का मतलब होता है धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार हो जाती है। एक बार भार्या बनने के बाद ये आपके परिवार में 12 लोगों तक के वस्त्र, मतलब भरण और पोषण सब की व्यवस्था करके रखती है, ठीक है। और 8 कलाओं में अलग अलग, कोई भी 14 में से आप 8 कला चुन सकते हैं, उसमें आपको पारंगत कर देगी। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए ध्यान से, ओम ह्रीम कनकावती मैथुन प्रिय आगच्छ आगच्छ स्वाहा।
एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि लोग खुश होकर के ऐसी बातें लोगों को बता देते हैं। एक बार जब आपको सिद्धि मिल भी जाती है तो कभी भी गलती से इस सिद्धि के बारे में या फिर एंटिटी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। इसका दो कारण है। एक एक रूल ऑफ डायमेंशंस होता है, ठीक है। उस रूल ऑफ डायमेंशन में आप किसी के दूसरे डायमेंशन में नहीं झांक सकते हैं, और जो दूसरे डायमेंशंस के एंटिटी होते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि उनका अगर आपके साथ इंटरेक्शन है तो ये कोई और जाने। इसीलिए सिद्धियों को हर साधक गुप्त रखता है। तो अगर आपको ये साधना मिल जाती है, सिद्ध कर पाते हो आप, हो सकता है आपको महीना लगे, हो सकता है आपको साल लगे, लेकिन लग जाओगे तो ये साधना सिद्ध होती है। ऐसे साधक हुए हैं भारत में जिनके पास ये यक्षिणियाँ पत्नी स्वरूप में थीं। एक तो इस साधना को करिए अकेले वट वृक्ष के पास, मांस मदिरा का भोग दे के, धूप दीप नवेद चढ़ा करके, उसके बाद 1000 मंत्र हर रोज जाप कीजिएगा, तो इस साधना में आपको सफलता मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188 में जुड़ जाइए। इसमें साधना का जो प्रारंभिक जो भी क्रियाकलाप है वो मैं आपको सिखाता हूँ। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उसमें रुद्रनाथ @CM4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उसमें आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बहुत जानकारी अभी मैं डाल रहा हूँ अपने वेबसाइट पे www.aghortantrasya.com। अगर ज्ञानवर्धक कुछ जानकारियाँ चाहिए होंगी तो अब आप धीरे धीरे एक एक करके उसमें लेख अपलोड हो रहा है उसको आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप सभी की कृपा बरसाए, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश आला आदेश, 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 आदेश।